कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ आपको इंदिरापुरम में पिज्जा पॉइंट के पास। और यहाँ पर पिज़्ज़ा की बहुत वैरायटी है और यहाँ पर बर्गर भी अवेलेबल है। और हम लोग चलो इनके ऑनर से बात करते हैं। और ये पापा बेटे की जोड़ी है। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ अंकल जी। और आप कब से पिज़्ज़ा बना रहे हैं यहाँ पर? सवा दो साल हो गए। और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सबका? इट्स वेरी नाइस। अच्छा, ओके, तो आप भी खाते हैं पिज़्ज़ा क्या? Sometimes. ओके, मतलब आपको कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है वैसे? ओके, आज हम यहाँ का पिज़्ज़ा टेस्ट करेंगे। वैसे अंकल जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? वी बिलोंग टू दिल्ली। ओके भैया, फिर आप हमें कौन सा पिज़्ज़ा खिलाने वाले हैं? मिक्स वेज विद मशरूम। ओके, तो ये आप क्या लगा रहे हैं? टॉपिंग सॉस। अच्छा, ऑनियन, कैप्सिकम, यस, टमाटो, लिक्विड चीज, ओके, बटर का, बर्गर लगाना है, डेनिया चीज। गाइज आप देख सकते हैं भैया जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो ब्रिटानिया की चीज़ यूज़ कर रहे हैं। और चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो भैया मेरे लिए इतनी सारी चीज़ डाल रहे हैं। भैया सभी के लिए इतनी चीज़ डालते हैं। तो आपके मतलब होम डिलीवरी भी है? नीतिखंड 1 2 3। हाँ। अच्छा अच्छा, मसाले वगैरह आपके अपने रहते हैं? अच्छा भैया, वैसे आपको कुकिंग का कब से शौक है? मैम लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से। अच्छा लगता है वैसे लड़कों के हाथ का ना टेस्ट एक अलग ही होता है। ये बात आपने एकदम सही बोली भैया। वो बच्चों के लिए बनाएंगी तो बड़े दिल से बनाएंगी। हाँ, बनाएंगी तो चलो काम है, करना है। सही बात है, लेकिन आदमी अपनी रेपुटेशन के लिए दिल से काम करता है। हाँ, ये तो है। एक्चुअली मैंने देखा ना लड़कों के हाथ का ना जो टेस्ट होता है ना, भले लड़कियाँ भी अच्छा बनाती है। हाँ। ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन लड़के ना कभी कभी बनाते हैं ना, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और जब तक मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो रहा था तब तक भैया पे बर्गर का ऑर्डर आया था। तो आप यहाँ पर मतलब बर्गर की मेकिंग भी देख सकते हैं। बर्गर भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट मैं तो भाई बर्गर नहीं खाने वाली हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ ले ली है। यहाँ पे चीज़ भर भर के डाली है इसमें। हाँ। चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये नहीं कि आप वीडियो बना रहे हैं, वैसे भी नहीं। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो स्पेशल ऑर्गेनो हमारा अपना बना हुआ। अच्छा, अपना बनवाते हैं ऑर्गेनो। एक्चुअली नॉर्मल है। अच्छा, ठीक है। हाँ। साथ में सॉस आपकी। भैया आप पिज़्ज़ा खाते हैं वैसे? बिल्कुल खाते हैं। आपका फेवरेट पिज़्ज़ा कौन सा है वैसे? मेरा मशरूम वाला ही। मशरूम वाला ही? ओहो, मतलब आज मैंने वही लिया जो मतलब लेना चाहिए था, मशरूम वाला ही ना। थैंक यू भैया, अभी खा रहे हैं। अंकल गर्म है ना, बहुत ज़्यादा गर्म है। सबका अलग अलग टेस्ट होता है ना। इसको केचप के साथ पसंद है, मुझे चिली फ्लेक्स के साथ। कैसा है? अच्छा है, नो डाउट। गाइज यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी, बहुत यमी था। जो इन्होंने इसमें चीज़ डाली थी ना, मज़ा आ गया भाई, दिल खुश कर दिया इन्होंने भाई पिज़्ज़ा खिला के हमें। और अगर आप इंदिरापुरम में रहते हैं या फिर यहाँ आने वाले हैं तो उनका पिज़्ज़ा एक बार ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ का एड्रेस है जो स्वर्ण जयंती पार्क है, उसी के जस्ट बगल में इनकी कार्ट लगी हुई है। जब भी हम स्वर्ण जयंती पार्क के अंदर जाएंगे या फिर बाहर निकलेंगे तो ये भैया हमें यहाँ पर इजीली दिख जाएंगे। तो आप इनका पिज़्ज़ा एक बार ज़रूर ट्राई करना और अंकल से ज़रूर मिलना। और मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।